हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पियानो किंग आपका अपने चैनल पियानो किंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पियानो बजाते कैसे हैं। और आपको मैं पहले बता दूं कि पियानो देखो बजाता तो हर कोई है, पर उसे पहले कुछ बातें जानना वे बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आपको आज पहले वही बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे पियानो, हारमोनियम, कुछ भी हो। देखो इंस्ट्रूमेंट तो आपको मैं बताऊं, पियानो हारमोनियम सब एक ही है। अब आप गौर करेंगे कि कीज बिल्कुल यही है। अब देखें यहीं से सा रे गा मा पा धा नी देखा आपने। देखो मैं आपको दिखा दूं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, सॉरी। देखो इसे करेंगे कैसे, बजाएंगे कैसे। देखो पहले आपको पियानो बजाने से पहले उसके कुछ रूल्स समझने होंगे। अब जैसे आप पियानो ले लीजिए, पियानो से पहले पियानो हो या हारमोनियम, वो हमारे गुरु के बराबर है। पहली बात कि वो हमारे गुरु के बराबर हो। तो जब भी आप पियानो या हारमोनियम बजाए तो उसे उसके आगे हाथ जोड़े या उसे छुए, बात एक ही है। जैसे हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही अपने पियानो हारमोनियम को हम स्टार्टिंग में प्रणाम करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो आपको चीज़ मैं बताऊँ अपने पियानो की, कि इसमें ये छोटा पियानो है, ये मैंने आपके लिए स्पेशल मंगवाया था पियानो। इसमें देखिए ये है टोन, ये पियानो वाली टोन है। अगली ऑर्गन टोन, क्या है ऑर्गन टोन। तीसरी आई वोयलन, ये इफेक्ट होते हैं जो। अब चलो सीधा मेन बात पे आते हैं, सारे गामा। अब आपसे कोई पूछने लग जाए भैया पियानो बजाइए, अब पियानो बजाएंगे कैसे जब आना चाहिए, तो मेन चीज आपको हम स्टार्टिंग में बताएंगे सारे गा मा पा धा नी सा। ये सात स्वर होते हैं हमारे। अब सात स्वर ये नीचे से ऊंचा ऊपर उठते हैं, नीचे से ऊपर उठेंगे। अब देखो आप गौर करेंगे, आप जरा गौर करना बिल्कुल। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अब हम ही इसी चीज को स्लो मोशन में बजाएंगे। एक एक बटन देख लो, जो सारे गामा के पेयर होते हैं वे हमेशा आप देखोगे कि दो ब्लैक की, देखो गौर करिए आप खुद ही, दो ब्लैक की, तीन ब्लैक की, फिर दो ब्लैक की, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप सा सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर ब्लैक की पे वापस बड़े वाला सा आ गया, लास्ट वाला स्टार्टिंग का सा, ये लास्ट का, फिर वहीं आ गया दो ब्लैक की पे, ठीक है। एक बार और आप देखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, उल्टा लीजिए सा नी धा पा मा गा रे सा। ये चीज थी सारे गामा। आप की गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सारे गामा पा धा नी सा। तो ये हमारे स्वर हुए जी, ठीक है। अब हमने स्वर तो कर दिए, अब आपको बताए कि आप कहीं से ले लो, लास्ट में ले लो, यहाँ से भी ले लो, सारे गामा, इससे ऊपर सुर नहीं जाएगी। अब इतने बड़े कलाकार तो मैं नहीं जो इससे ऊपर सुर खुजा दे, पर ये ऊंचे स्वर है, ये वे ऊंचा ऊंचा स्केल,
ये मध्य वर्ग स्केल, जब भी आप स्टार्टिंग में बजाओ तो स्केल देख लीजिए बीच का हो, चाहे वो हारमोनियम हो चाहे पियानो हो। अब आपने देखा होगा पियानो में बड़े बड़े बटन होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बटन होते हैं, पर आप बजा लो कहीं से, पेयर आपका दो की से स्टार्ट ही होगा यहाँ से, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। अब गाना पकड़ना आपको, कि किसी गाने को बजाने के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जब भी हमारी वो वीडियो आए, कोई भी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं अब आपको लास्ट में यही बात कहूँगा कि आप जब भी सारे गामा बजाए, आप वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए कि सारे गामा स्टार्ट कौन सी ब्लैक की से थे। एक बार और आपको बता रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान देंगे दोबारा, सा ब्लैक की से, जहाँ से स्टार्ट किया ब्लैक की और लास्ट वाली ब्लैक की, कि सा हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा ये सा, ये देखो ये हमारा वो है मध्य वर्ग के स्वर। अब लास्ट में भी लोगे आप, लास्ट में भी यही चीज़ है, सा सा, ठीक है। तो आप इन चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए पहले कि सारे गामा बजाने की, और कोशिश कीजिए कि आप बजाने के साथ अपनी आवाज़ भी गाए, जैसे सा, एक सेकंड, सा, आवाज़ मैच होनी चाहिए बिल्कुल, रे सॉरी सा रे गा पा धा नी सा सा नी धा पा बा धा रे सा, समझे। तो आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो हमारी नई वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।